क्यों नहीं आ सकती काना? राधा द्वारका क्यों नहीं आ सकती? मैं तो स्वयं उसे कहकर आया हूं कि तुम स्वयं उसे लेने आओगे, और अब तुम कह रहे हो कि राधा द्वारका ही नहीं आ सकती। यही अनजाने में आपसे भूल हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु क्यों नहीं कहना चाहिए था? ऐसा भी क्या अनुचित कह दिया मैंने काना? कदाचित आप भूल गए हैं दाव, मैं नहीं भूला, ना कभी भूल सकता। श्री दमाकाश्रा, मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। राधा कृष्ण का विरह 100 वर्षों का श्राप है, 100 वर्षों तक इसका वहन करना ही होगा। किंतु काना, तुमने तो स्वयं राधा से कहा था ना कि तुम एक दिन पूर्व दिशा से आओगे और सदा सदा के लिए राधा को अपने साथ लेकर चले जाओगे। तुम तो अपने प्रत्येक वचन का मान रखते हो, इसीलिए तो तुमने द्वारका नगरी का निर्माण भी राधा के स्वप्न के अनुसार ही किया ना। फिर अब ये सब क्यों कह रहे हो काना? एक समय आएगा राधा, मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा। हाँ, मैंने ये कहा था, किंतु द्वारका के लिए नहीं। मैं तो बात कर रहा था हमारे पुनर्मिलन की, पुनर्मिलन जहां राधा कृष्ण सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे, और वो द्वारका में नहीं केवल गोलोक में संभव है। तब तक मुझे राधा से दूर रहना ही होगा, यही है विधि का विधान, यही है श्री दमाकाश्रा। काना, मैं किसी विधि के विधान को नहीं जानता, मैं केवल इतना समझता हूं कि तुम नारायण हो, और नारायण तो किसी का भी विधान बदल सकते हैं, तो बदल दो ना। आपको लगता है मैं सब कुछ बदल सकता हूं? हाँ, अपना हाथ दीजिए। रुक्मिणी ने जो पत्र राधा को लिखा था, जिसे पूर्ण करने की सौगंध राधा ने मुझे दी थी, जो संदेश आप मुझ तक लेकर आए थे, क्या आपने एक बार भी वो पत्र पढ़ा? आज पढ़िए। साहस के साथ पढ़िएगा। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण, और अपने मन में तुमसे विवाह भी कर लिया है मैंने। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है कृष्ण। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। ये पत्र आप कृष्ण को दे दो और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े, और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर, और यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेगा तो मैं समझूंगी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करती।
मैं तुम्हें वचन देता हूं राधा, कृष्ण वो सब करेगा जो तुम चाहती हो। कैसे संभव है राधा, स्वयं ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब कैसे हो सकता है काना? यही तो है विधि का विधान, कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये विधि अपने इस विधान को साकार करने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेती है, अब चाहो ना चाहो ये होकर ही रहता है। था सोचिए, राधा ने वो पत्र पढ़ा, मुझे उसे साकार करने के लिए कहा, और उस पत्र में लिखा है कि मुझे रुक्मिणी से विवाह करना है। सोचिए ना, अयन और राधा का विवाह हुआ जो कदाचित कोई नहीं चाहता था, पर ये हुआ। ये था हमारा प्रथम वियोग, ये था विधि का विधा। अब इस गाथा में रुक्मिणी आई है, ये होगा हमारा दूसरा वियोग, ये है विधि का विधा, और हम कुछ नहीं कर सकते था, इसके विरुद्ध नहीं जा सकते, ये श्राप साकार करना ही होगा। मैंने क्या कर दिया कहना, तुमने मुझे कितना समझाया कि तुमने समझा ही नहीं। आपने कुछ नहीं किया है था। नहीं कहना, राधा कृष्ण के इस विरह का एक कारण मैं भी हूँ, मुझसे हुई है भूल। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है दाऊ। दाऊ मुझे देखिए, मुझे देखिए, ये केवल श्राप का प्रभाव है, स्वयं को दोष मत दीजिए, आपकी इसमें कोई भूल नहीं है, समझिए। आप मुझे देखिए, हाथ दीजिए अपना। कैसा जीवन है तुम्हारा का, कैसा होता रही, इस जीवन में इतने दुख क्यों है, इतनी कठिनाइयां क्यों है काना? सत्य में काना, नारायण के सभी अवतारों में यदि सबसे कठिन अवतार कोई है ना, तो यही है तुम्हारा कृष्ण अवतार काना। मैं समझता हूं कि राधा की सौगंध को पूरा करने का एकमात्र उपाय तुम्हारा रुक्मिणी से विवाह करना है। तुम रुक्मिणी से विवाह भले ही करो, किंतु राधा को यह जानने का अधिकार तो है। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम स्वयं राधा को यह जानकारी दो। अरे मैं स्वयं राधा से मिलकर आया हूं, मैंने राधा को तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए देखा, तुमसे पुनर्मिलन के लिए आतुर होते हुए देखा है काना। मैं जानता हूं कि उसका हृदय टूट जाएगा यह जानकर, तू ये जानना उसका अधिकार है, उसे इस प्रकार अंधकार में अनंत काल की प्रतीक्षा के लिए मत छोड़ो काना। आपसे किसने कहा कि राधा को यह ज्ञात नहीं होगा? मैं वचन देता हूं राधा को शीघ्र ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आकर परिशुद्ध प्रेम की दृष्टि से देखेगा, उसे राधा कृष्ण प्रेम रास में लीन ही दिखाई देंगे, और ये अनंत तक चलेगा। राधा शुका, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कृष्ण मुझे लेने क्यों नहीं आया? ये तो मुझे वचन भी दिया था, और अब तो उस भव्य और दिव्य स्थान का निर्माण भी हो गया है, फिर भी वो नहीं आया, क्यों? ओ कृष्ण है,
बस भी करो शुका, उसकी बड़ाई करना बंद करो। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कृष्ण जो करता है अपनी राधा के लिए करता है। यदि कृष्ण आएगा तो केवल अपनी राधा के लिए ही आएगा, और यदि कृष्ण नहीं आया तो वो भी राधा के हित में होगा, और यदि वो आए तो उसे मिलन का आनंद प्राप्त होगा, और यदि वो नहीं आता है तो उसकी स्मृति में रहने का सुख प्राप्त होगा। कृष्ण, तुम जब भी आओ ना तो इसी स्थान निधिवन में ही आना, हमारे इस प्रेम के स्थान पर। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।